नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रमण में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी क्या अपडेट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप आज के दिन जो लेटर पेड है अधीनस्थ बोर्ड को भेजा गया है, जिसमें जो जांच है SOG द्वारा उसे सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं सेवा में हरिप्रसाद शर्मा जो बोर्ड के चेयरमैन है और परीक्षा नियंत्रक महोदय अधीनस्थ बोर्ड बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में की गई जाँच को सार्वजनिक करने हेतु, तो जो जाँच हुई थी और जिन जिन पेपरों को खुला हुआ मिला, जहाँ पर सेंटर में जो गड़बड़ी हुई उन सभी की जो जांच है इन्हें सार्वजनिक करने को लेकर के मांग की जा रही है अभ्यर्थियों में, और लगातार सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई जा रही है। ट्विटर हैंडल पर अभ्यर्थियों में अभी तक आक्रोश है पेपर गड़बड़ी को लेकर के, और अभी तक कोई भी पुख्त सबूत इस भर्ती से जुड़ा अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। लगभग आप देख सकते हैं जो जो संस्थान है जहाँ पर पेपर खुला हुआ मिला, जहाँ पर जो धांधली का आरोप है, उन संस्था को लेकर जो जांच की गई उन्हें सार्वजनिक करने, और सीकर के एडुटेक ऐप में जो वायरल हुआ था प्रश्न पत्र, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन इस ऐप से आए थे, उसको लेकर भी आवाज़ उठाई जा रही है कि SOG ने क्या क्या जांच की है उसे सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। दूसरा पॉइंट, प्रश्न पत्र पत्र में लगभग 40% रीजनिंग पर्सन देकर सिलेबस पैटर्न लागू नहीं किया गया था, ये भी देख सकते हैं। और तीसरी अपडेट जो पॉइंट है, द्वितीय प्रश्न पत्र जहाँ पर आप इसरो नेट IAS UGC नेट के प्रश्न पत्र पूछे गए, यानी कि जो योग्यता है इससे बहुत हार्ड जो पेपर है वो बनाया गया। आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पे लेवल बात करें तो लेवल 8 है, और जो प्रश्न पत्र आया है इसरो नेट UGC की वैकेंसी का जो है। और चौथी अपडेट है जो CCTV कैमरा और अतिरिक्त व्यवस्था होने का भी हवाला दिया गया है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ नहीं थी। आपको पता होगा कि बारिश के समय भरतपुर में जो सेंटर था वहाँ पर लाइट चली गई, अंधेरा में एग्जाम देना पड़ा था अभ्यर्थियों को, और वो ऊपर से और धमकी ये मिल रही थी कि आपका टाइम ख़राब कर दिया जाएगा और आपकी OMR सीट भी ले ली जाएगी। भरतपुर शहर में आधी तूफान व बारिश की वजह से परीक्षा केंद्रों में बिजली नहीं थी और परीक्षार्थी अपनी OMR सीट भी नहीं भर पाए थे। तो इन सभी को लेकर के आज अब जो लेटर पेड अधीनस्थ बोर्ड को भेजा गया और सार्वजनिक जो जांच है इसे करने भी मांग की गई है। और ट्विटर हैंडल पर क्या अपडेट है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जो संजय सर पहले ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्जाम होने के बाद में लाइव आकर के अभ्यर्थियों के पक्ष में इन्होंने फैसला दिया था कि कोर्ट जाएंगे, रीट पार्टीशन करेंगे, लेकिन बाद में वो वीडियो डिलीट कर दिया गया। वापस से ट्विटर हैंडल पर आश्वासन देने के लिए वापस से ट्वीट किया है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सावित्री देवी प्रसिद्ध संस्थान स्कूल रूम नंबर 28 में बने वीडियो और लिफाफे की जांच करो। आज भी बोर्ड के पास वीडियो और पेपर के बीच कटा हुआ लिफाफा है, क्यों छुपाया जा रहा है? सबूत कब तक यह अन्याय चलेगा? आप देख सकते हैं इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने श्रीमान हरिप्रसाद जी महोदय निवेदन है कि कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा की जांच सार्वजनिक करने और हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य को बचाए। तो आप देख सकते हैं कि जो जांच को लेकर भी सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई जा रही है, लगातार अभ्यर्थियों में यह आक्रोश है। सही कहा गुरुदेव, उम्मीद है कि कोई मेहनती अभ्यर्थी इसमें फांसी ना खाए। राजस्थान में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्ट लोग की संख्या 0 हो। सत्य दिखाने में कभी समय नहीं लगता, लेकिन झूठ बनाने में ज़रूर लगता है। जाँच की रिपोर्ट उजागर करो। और दूसरी अपडेट ये है कि जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जिन्होंने जिला आवंटन पदों का वर्गीकरण की सूची है वो जारी कर दी गई है, जिसमें पदों के आवंटन की भी संख्या देख सकते हैं। हर स्कूल में एक एक पद है और जिलेवाइज, लेकिन अभी तक जो अपडेट है टोटल 1306 पदों की जो अपडेट है वो सामने आई है। इसी तरीके से जल्द ही आपका रिजल्ट को लेकर के और क्या अपडेट आती है इसके बारे में चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें।